एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। जम्मू कश्मीर में चल रही सियासी हलचल का असर देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य बिहार में हो सकता है। जी हाँ, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने महबूबा मुफ्ती से हाथ खींचे हैं, कुछ यही हाल बिहार में हो सकता है। नीतीश कुमार का जिक्र कर रही हूँ मैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और कैसे हैं नीतीश कुमार समझ ही में नहीं आता है, क्योंकि देखा जाए तो नीतीश कुमार पहले NDA में थे। साल 2014 में PM मोदी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित किया गया, वहाँ पे सांप्रदायिकता की बात करके, गोधरा कांड की बात करके NDA से अलग हो गए। साल 2015 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए, उसके बाद ये उन्होंने क्या किया, NDA से इनका नाता टूट चुका था तो शामिल हो गए लालू प्रसाद यादव के साथ, किसके तले, महागठबंधन के तले। फिर उन्होंने सरकार बनाई महागठबंधन के तले। लेकिन अब ये देखिए जरा कि नीतीश किस तरह से यहाँ पे यूटर्न मारते हैं। तेजस्वी यादव डिप्टी CM बनते हैं और तेज प्रताप यादव को मंत्रालय दिया जाता है नीतीश सरकार में। यहाँ पे महागठबंधन जो 36 का आंकड़ा था नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच में, लेकिन ये दोनों नेता विधानसभा चुनाव के दौरान एक हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि सियासत में कोई किसी का सगा नहीं है। आज हमने आपको गालियां दी हैं, कल हम आपका सम्मान भी करेंगे, और ये साबित किया नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने। महागठबंधन हुआ, लेकिन वहां पे क्या हुआ, बहुत सी ऐसी चीजें हुई। नीतीश सरकार को ये लगने लगा कि भाई उनके पैरों में बांधी जा रही हैं बेड़ियां, जिसको खुलेआम शासन करने की आदत है वो बंद के शासन कैसे कर सकता है। फिर क्या हुआ, लालू प्रसाद यादव से उनकी खटपट हुई और फिर उन्होंने क्या किया, अपना अलायंस तोड़ा और NDA के सहयोग से सरकार बना ली। सुशील मोदी डिप्टी CM बन गए वहां पे। सोचिए जरा, नीतीश कुमार क्या है उनको खुद ही नहीं पता है, और कहते क्या है कि मैं बिहार में सुशासन की बात करता हूँ, मैं सुशासन राज चलाता हूँ। ये सुशासन है कि बिहार में शराबबंदी लागू होने के बावजूद वहां पे शराब से कुछ लोगों की मौत हो जाती है, ये है उनका सुशासन। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सुशासन की बात करते हैं, ये है उनका सुशासन। जहां देखते हैं वहां पाला बदल देते हैं, ये है उनका सुशासन। और कहते क्या है कि मुझे जनता को जवाब देना है और मैं जनता के लिए सियासत कर रहा हूं, इसलिए जो जनता की भलाई के लिए होगा वो करूंगा। और इसीलिए उन्होंने लालू प्रसाद यादव से अपने पैर खींच लिए, पीछे उन्होंने अलायंस तोड़ दिया, महागठबंधन से वो अलग हो गए। लेकिन अब देखिए, यहाँ पे अगले साल लोकसभा चुनाव है, अभी हाल ही में जिस तरह से इसी साल उपचुनाव हुए मार्च में, और फिर से अभी मई में बिहार में एक सीट पर उपचुनाव हुआ, उसके बाद देखिए किस तरह से नीतीश कुमार के तेवर बदले। उन्होंने सारा ठीकरा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फोड़ दिया कि मोदी सरकार इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि हाल ही में मई में उपचुनाव से ठीक पहले पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े थे। उसके बाद क्या हुआ, उपचुनाव हुए और यूपी के साथ साथ बिहार में भी बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। नीतीश कुमार को लग गया भाई बहुत भारी पड़ रहा है NDA के साथ गठबंधन, तो उन्होंने क्या कहा इशारों में कि भाई कि जैसा भी है मोदी सरकार इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, उन्हें पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नहीं बढ़ाना चाहिए था। नोटबंदी के दौरान भी उन्होंने बड़ी तारीफ की, चार साल की बता देते हैं आपको नीतीश कुमार ने क्या कहा, इशारों में बड़ा तंज कसा था, लेकिन वो है ना प्यार से, वो अच्छे प्यार से बोलकर बहुत कुछ कह गए। उन्होंने क्या कहा, नोटबंदी बहुत ऐतिहासिक फैसला था, PM मोदी की तारीफ करनी चाहिए, लेकिन जो उसका असर होना चाहिए था वो असर नजर नहीं आया। ये कहा नीतीश कुमार ने PM मोदी के 4 साल पूरे होने पर, और साथ ही उन्होंने बहुत सी बातें कही, लेकिन जो बातें कही उसमें अधिकतर ऐसी बातें थी जो कहीं ना कहीं इशारा कर रही थी कि नीतीश कुमार का जो दिमाग है वो अब किसी और ढर्रे पर जा रहा है। साल 2014 साल 2019 में फिर से दोहराया जा सकता है और नीतीश कुमार गठबंधन से अलग हो सकते हैं, NDA से अलग हो सकते हैं। उपचुनाव में जिस तरह से नीतीश कुमार की फजीहत हुई है, उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि बीजेपी के साथ गठबंधन करने की वजह से उनको कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ रही है। उनको डर लग रहा है कि भाई उनका कुनबा उनसे छिन ना जाए। सुशासन की बात करते हैं नीतीश कुमार जी कुछ करिए आप बिहार का भी। विशेष राज्य को लेकर बात कर रहे थे ना, विशेष राज्य को लेकर ही तो शायद आपकी मोदी से खटपट हुई थी, PM मोदी से खटपट हुई थी। आप उन्हीं PM मोदी की आप कितनी भर भर के सराहना कर रहे हैं, वो आलोचनाएं भूल गए क्या, जब आपने कहा था कि गोधरा कांड का लेवल लगा है, ऐसे शख्स के साथ तो मैं NDA में रहना ही नहीं चाहूंगा। आज वही शख्स आपको बहुत प्यारा लग रहा है। कहते क्या है, साल 2019 में निस्संदेह बीजेपी की सरकार बनेगी, कुछ भी बोल लो मीडिया के सामने क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अब देखिए उपचुनाव में हार हुई, उसके बाद से कैसे तेवर बदल गया। महबूबा मुफ्ती जैसा हश्र नीतीश कुमार का भी हो सकता है,
मैं वो मुत्ती भी बहुत अपने आप को बहुत चालाक बन रही थी जम्मू कश्मीर में अक्टूबर में गठबंधन तोड़ने से पहले। अमित शाह भी अब मोदी ने क्या किया, तुम तोड़ो से पहले हम ही तोड़ देते हैं और ले आए वहां पे राष्ट्रहित का मसला। यानी इतना बड़ा गेम, वाकई जेपी बड़ा गेम प्लान करती है। अब यहाँ पे देखिए नीतीश कुमार कुछ करें उससे पहले कहीं बीजेपी ना हो ऐसे हाथ पीछे खींच दे और वहां पे भी कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन ना लग जाए बिहार में। बहुत हालांकि इसका बहुत मुश्किल है कहना, लेकिन फिर भी ये करना इतना आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए भी। लेकिन सोचिए जिस तरह से नीतीश कुमार खिलाफत कर रहे हैं वो तो कुछ ऐसे ही आसार बयां कर रहे हैं कि नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हो सकते हैं। और मैंने आपको वजह बताई है, उनको डर सता रहा है बिहार लोकसभा, बिहार जब लोकसभा चुनाव अगले साल चुनाव होंगे बिहार में उनकी परफॉर्मेंस, और जब 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे तो उसकी परफॉर्मेंस, डर तो लग रहा है उनको। तो ऐसे में डर का, या तो डर का सामना करें या तो एनडीए से अलग हो जाए। विशेष राज्य की दर्जे की मांग कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश भी विशेष राज्य की बात कर रहा है। किस किस को देंगे पीएम मोदी? बिहार जो है बीमारू में आता है, जो बीमारू एक कोई लाइन एक बनाया गया है जिसमें कई राज्यों को इंक्लूड किया गया, उसमें एक बिहार भी है। आप सोचिए जरा किस तरीके से, तो नीतीश कुमार को जवाबदेही तो देनी होगी ना अगले साल लोकसभा में, कितनी सीटें ले पाएंगे वो भी देखना होगा, देखना होगा कितने सांसद तो बना पाते हैं अपनी पार्टी से और फिर विधानसभा में कितने अपने विधायक बना पाते हैं, ये भी उनके लिए बहुत बड़ा टास्क है। उनको लग रहा है कि ना मोदी सरकार की वजह से उनकी रुटियां ना डूब जाए, इसलिए उनके तेवर खुद ज्यादा ही कभी इधर बैठते हैं कभी उधर बैठते हैं। समझ में आता कि नीतीश कुमार चाहते क्या है। अब क्या है, जीतन राम मांझी की बात कर लेते हैं। जीतन राम मांझी जो है उनका खुद, वो भी नीतीश कुमार जैसा ही हाल उनका भी है। पहले बीजेपी के साथ जाते हैं, बीजेपी के साथ अलग होते हैं, फिर आरजेडी में आने की बात करते हैं। अब तो सबसे बड़ी बात कर दी उन्होंने, कहते हैं कि अगर यहाँ पर नीतीश कुमार उनकी एक शर्त मान लें तो तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आप सोचिए, आप एक बात बताइए, महागठबंधन में नीतीश कुमार थे तो उनको तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम के तौर पर पसंद नहीं आया, तो क्या उनको सीएम के तौर पर पसंद करेंगे नीतीश कुमार? जीतन राम मांझी जी थोड़ा दिमाग लगाइए अपना। वो कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार, शर्त सुनिए, शर्त ये है कि अगर नीतीश कुमार महागठबंधन में आ जाएं और अपनी शर्तें छोड़ दें, मतलब अपनी जो भी बातें उसको छोड़ के महागठबंधन में चले आए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार करें कि जब महागठबंधन में वही सीएम के तौर पर चेहरा होंगे तो ही बिहार का कुछ हो सकता है, ये कहना जितना मांझी का। देखिए इस शर्त पर राजी हुए नीतीश, अब तब भी तेजस्वी यादव होंगे सीएम उम्मीदवार। अब क्या है नीतीश को राजी करने की शर्त, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के प्रमुख है जीतन राम मांझी ने दो टूक कहा है कि अगर नीतीश महागठबंधन में लौटते भी हैं तब भी तेजस्वी यादव ही 2020 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। और उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद त्याग कर महागठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो भी मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे। उन्होंने लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में शामिल जेडीयू के अधिक सीटों की मांग पर कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने सिर्फ 2 सीटें जीती। लेकिन आप आंकड़ा देख लीजिएगा, 2 सीटें, बिहार से 2 सांसद है जनता दल यूनाइटेड के यानी नीतीश कुमार की पार्टी के, ऐसे में अधिक सीटों पर उसका दावा बनता ही नहीं है। मांझी ने बिहार की विधि व्यवस्था को भी लेकर एक बार नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा बिहार में अभी आपातकाल से भी बदतर हालात है, बदतर। उन्होंने कहा आज राज्य में महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं लगातार हो रही हैं और इससे पहले भी बहुत सी चीजों को नीतीश कुमार की आलोचना कर चुके हैं, कर रहे हैं। हालांकि ये शर्त का क्या कहना चाहते थे मांझी, क्योंकि वो चाहते हैं कि यहाँ पे इशारों में कि महागठबंधन में वो शामिल हो जाए, लेकिन तब भी उन्हें शर्त माननी पड़ेगी कि जो तेजस्वी यादव है वही मुख्यमंत्री बनेंगे महागठबंधन की तरफ से, क्योंकि आसार कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी और लालू प्रसाद यादव को भी भाप गए हैं पूरी स्थिति को कि नीतीश कुमार का मन एनडीए में नहीं लग रहा है। अब नीतीश कुमार को खींच रहे हैं वो बात की बात है, खींचेंगे कब तक क्या पता, उससे पहले अमित शाह और पीएम मोदी का मन बन गया तो उनका मन तो रखा जाएगा, वो पहले ही अपना मन खींच लेंगे। फिर क्या होगा यहाँ पर, आप बैठिए रखिए बिहार में, अल्पमत में आइए, हम अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। तो क्या करेंगे नीतीश कुमार के पास कोई ऑप्शन है? जिस महागठबंधन से अलग हुए क्या उसी महागठबंधन का दामन फिर से थामेंगे? देखिए सियासत है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के बारे में किसी ने सोचा नहीं था कि दोनों एक साथ एक छत के नीचे आएंगे, लेकिन आए। लेकिन हाँ, ये कारवा आगे बढ़ नहीं सका और वहीं पर गठबंधन का ब्रेक हो गया। ये गठबंधन से महागठबंधन से नीतीश कुमार अलग हो गए। अब ऐसे में नीतीश कुमार को लालसा है सत्ता की, अब वो एक पॉजिटिव में भी हो सकती है, निगेटिव में भी हो सकती है। तो क्या वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार करेंगे जो कि युवा नेता है?
कतई नहीं स्वीकार करेंगे। नीतीश कुमार किसी भी 101% बात पर राजी ही नहीं होंगे कि तेजस्वी कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर वो पसंद करेंगे बिहार में। बहुत मुश्किल है, मांझी भले ही इधर से उधर से उधर होते रहे हों, लेकिन नीतीश कुमार का भी कुछ यही रवैया है। लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार किसी भी हालत में तेजस्वी यादव को तो पसंद नहीं करेंगे जो भी हो जाए। अब यहाँ देखना होगा नीतीश कुमार किस तरफ जाते हैं। एनडीए से गठबंधन तोड़ने की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो जिससे गठबंधन तोड़ रहे हैं उसी के सहारे वो दोबारा मुख्यमंत्री भी बने हैं महागठबंधन से अलग होने के बाद। बिहार के यहाँ पहले ही वो कुछ करे उससे पहले बीजेपी उनके खिलाफ ना एक्शन ले ले, क्योंकि ऐसे आसार नजर आ रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार लगातार जैसे बागी सुर बोल रहे हैं, बागी उनके बयान सामने आ रहे हैं, इशारे इशारे में तंज कस रहे हैं, वो कुछ यही हालात बयां कर रहे हैं। बिहार के सियासी घटनाक्रम बदल रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भूचाल जम्मू कश्मीर का वहां ना पहुंच जाए और ऐसे क्या होगा कि महबूबा की तरह नीतीश कुमार का हाल ना हो जाए। बहुत मुश्किल, क्योंकि बीजेपी का अगले साल आना, अगर मैं सर्वे की मानूं, रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि प्रचंड बहुमत तो नहीं मिलेगा बीजेपी को, लेकिन हाँ बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल होगा सभी पार्टियों के लिए। तो कुल मिलाकर ये थी बिहार से जुड़ी बड़ी खबर कि जीतनराम मांझी ने कहा है कि अगर यहाँ पर नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल होते हैं तेजस्वी यादव हमारे मुख्यमंत्री होंगे, बस ये शर्त मान जाएं तो। लेकिन कहीं भी किसी भी हालत में नहीं लगता है कि नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा बनेंगे, और बन भी जाते हैं तो वो शर्त नहीं मानेंगे कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार करेंगे। बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसी चीज को बनाए रखने के लिए उन्होंने महागठबंधन से खुद को अलग किया और एनडीए से नाता जोड़ा और फिर उसी से जोड़ेंगे। लेकिन यहाँ भी देखिए, वो तो ना एनडीए के हैं और ना ही वो महागठबंधन, वो किसी के सगे ही नहीं नीतीश कुमार। सीधी साफ शब्दों में नीतीश कुमार किसी के सगे हैं भी या नहीं है, अब इसका पूरा जो है पता चलेगा अगले साल रिजल्ट के। आखिर नीतीश कुमार चाहते क्या है, क्या बने रहेंगे एनडीए में? बहुत मुश्किल लग रहा है। और क्या बीजेपी वाकई महबूबा जैसा हाल तो नहीं कर देगी नीतीश कुमार का? देखते हैं। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, होगी आपसे मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।